स्क्रीन विजिबल है सभी को मेरा? यस सर। ठीक है. श्रेय, अभी इसमें देखो कि आपका एफ ऑफ 1/2 निकालना है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स है ना उसकी जगह पे 1/2 डालेंगे. स्टेटमेंट ऐसा होगा, टू फाइंड एफ ऑफ 1/2, तो हम लोग पुट करेंगे एक्स इजिकल टू 1/2 अपना गिवेन एक्सप्रेशन में. ये आपका एक्सप्रेशन नंबर 1 है. तो जब आप ये पुट करते हो तो आपका ये जो एक्सप्रेशन है ना चेंज हो जाएगा इस तरह, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 माइनस 1. अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, बताओ मेरे को. हाँ श्रेया, यस तनुष, आप देख तनुष आप चेक करना एक बार, मैं प्रॉपर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ. यस सर। आपका ये जो यही वैल्यू आया था ना आपका 3/-2. नमन, आपको ये क्वेश्चन का वैल्यू कितना आया एफ ऑफ 1/2 का? नमन सॉल्व किया आपने? हाँ सर। कितना आया इसका एफ ऑफ 1/2 का वैल्यू? सर 3/-2 टू, करेक्ट. सर। मेरा भी सेम आंसर है. श्रेया सॉल्व किया आपने, आंसर आया? सर मुझे वो स्टेप ही नहीं समझी। 1-2+4। देखो ये अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. कॉम्प्लिकेटेड क्यों है वो मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे, कि इसको ना फ्रैक्शंस में, ये दोनों फ्रैक्शंस है और ये इंटीजर है आपका. तो मैंने यहाँ पे क्या किया है इसको, कि 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है? हाँ, 4 और 2 का एलसीएम इस तरह होता है ना, कि आपका आप ये सबको लिखोगे यहाँ पे और पेयर करते हो ना, 2 × 2 × 2. तो इसका जो पेयरिंग है वो एक ही बार आएगा और इंटू टू, यानी कि इसका एलसीएम कितना है आपका, 4 आया. तो ये जो मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो फ्रैक्शंस है उसका मैंने एलसीएम निकाला. अभी मुझे 4 चाहिए कहाँ पे, डिनोमेटर में. तो डिनोमेटर में से 4 ऑलरेडी है तो मेरा 1 आ गया. अभी यहाँ पे इसको डिनोमेटर में क्या है, 2 है, तो मुझे 4 चाहिए. तो मैं क्या करूँगा, ऊपर और नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1 × 2 आपका 2 आ गया और ये नीचे 4 आ गया, तो मैंने कॉमन डायरेक्टली 4 लिखा है. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट आप स्टेप देखो. एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना सर। हाँ मतलब दोनों मेथड है, डिपेंड करता है कि आपके सिंपलिसिटी के ऊपर, कि आपको कितना यूज्ड टू हो. जैसे फॉर एग्जांपल आप 1/2 है,
अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये नंबर है ना आपका डिनोमिनेटर का बड़ा हो जाएगा, जैसे ये 2 - 4 8 हो जाता है, तो ये आपका क्या हो गया, -2/4 ना, और 2/8 हो गया, तो ये आपका जो नंबर है ना वो बड़ा हो जा रहा है ना। मतलब कॉन्सेप्ट कैसा है कि अल्टीमेटली आपको सिंपल वे में सॉल्व करना है, तो अगर आप यहाँ पे इस मेथड से भी अगर आप यूज टू हो रहे हो सॉल्व करने के लिए, तो आप ये भी कर सकते हो, नो इश्यूज। जैसे आप नॉर्मल फ्रैक्शंस को सब्स्ट्रैक्ट करते हो, इस तरह आप कर सकते हो, फिर ये आपका +1 आ गया, तो यानी कि अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -2 + 8 / 8, तो आपका क्या हो जाएगा, 6/8। तो 6/8 को आप यहाँ पे से डिवाइड करो, 2 3 6 और 2 4 8, यानी कि आपको सेम मिलता है ना, 3/4। तो ये पॉइंट आपको समझे, या तो एलसीएम लो, या फिर आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। और एक तीसरा मेथड है कि इधर देखो, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो मुझे क्या करना है, अल्टीमेटली डिनोमीटर को सेम करना है। तो डिनोमीटर को सेम करने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली 2 2 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा हो गया ना यहाँ पे। है ना, तो ये देखो 1 - 2/4, तो इसका वैल्यू कितना आएगा मेरा, -1/4 ना। तो पॉइंट समझे आप यहाँ पे कि सॉल्व कैसे करना है। यस हाँ श्रेया, आपको क्लियर है ये पॉइंट स्टेप? सर, नमन आपको? यस सर, तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है ना, तो आपको जो भी इजी पड़ता है आप वो कर सकते हो। आपको अगर एलसीएम एलसीएम कभी आता है, जब भी आपका ये बड़ा नंबर रहेगा ना, तो आपको एलसीएम हेल्पफुल होता है। छोटे नंबर के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, फिर भी ये थोड़ा सा बड़ा नंबर आता है यहाँ पे, ले और ये वाला भी आपको इजी है, तो जस्ट आपको ये समझना है बस, और कुछ नहीं। तीनों मेथड आपका एप्लीकेबल है, आपको जो इजी लगता है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हो, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। ये 2/8 है, इसको भी आप कैंसिल आउट कर सके करके 1/4 भी लिख सकते हो माइनस में। अल्टीमेट है आपको आंसर लाना है विथ ईज ऑफ कैलकुलेशन, कि कैलकुलेशन जितना इजी होगा अपना उतना इजी आंसर आएगा। अब इसका वैल्यू निकालो, आप कितना आता है मुझे बताओ। नमन आप बताओ मेरे को, और श्रेय आप भी। थोड़ा सा आप लोग जल्दी करो, हाँ कैलकुलेशंस में। 1 + 2 3, 3 + 4 7/4, और यहाँ पे -3, और ये 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 * 2, 2 * 4, तो इसका वैल्यू आता है आपको 7/-6। तो अब यहाँ पे देखो कि इन दोनों को माइनस करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 3/-2 - इसका माइनस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7/-6, यानी ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा। सो -3/2 + 7/6, तो अगेन देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, तो ये 6 हो जाएगा, तो 3 3 9/6 +7/6। तो देखो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो मैं न्यूमरेटर को ऐड कर सकता हूँ या सब्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, डिपेंड ऑन द ऑपरेशन। तो -9 + 7 ये आपका होता है -2/6, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो -1/3 इसका आंसर आता है। आप चेक 2 का जे -1/3, और मेरा आंसर भी -1/3 है।
तो क्लियर है आप लोग? प्लीज बताओ। आप आई थिंक म्यूट करके आप एक्टिवली सुन रहे हो या नहीं? मुझे नहीं, एक्नॉलेज नहीं मिल रहा है। यस स्टेप समझाना आपको, नमन आपको। ओके सर प्लीज आप एक्नॉलेज करो। ओके तो ये आप यहाँ पे फिनिश हुआ। अभी नेक्स्ट हम लोग सम पे आते हैं। आपका है, आपको ये नहीं आ रहा है ना, एल। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ना दो चीजें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी आप ध्यान देना क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखो एफ ऑफ एक्स है, यानी कि एक फंक्शन है ना दिया गया है एक्स के टर्म्स में, एक्स स्क्वायर प्लस 6x-8। दूसरा जो टर्म है ना इसमें अलग वेरिएबल है, ये नया वेरिएबल है टी, और आपको पूछा गया है क्या, एफ ऑफ टी पूछा है। तो हम लोग का क्या करना पड़ेगा कि टू फाइंड एफ ऑफ टी हम लोग पुट करेंगे एक्स इजिकल टू टी, किसमें, एक्सप्रेशन नंबर 1 में। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, जब कभी भी हम लोग को एफ ऑफ 1/2 पूछा जाता है तो हम लोग ये नंबर को सिंपली यहाँ पे पुट करते हैं, करेक्ट। तो सिमिलरली यहाँ पे एफ ऑफ टी पूछा गया है, तो इस वजह से हम लोग एक्स इजिकल टू टी पुट करेंगे गिवेन एक्सप्रेशन में। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा इस तरह, एफ ऑफ टी इजिकल टू टी का स्क्वायर प्लस 6t-8। तो अब देखो इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्या? यस पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे और एक टर्म दिया गया है जिसका जिसमें टी का वैल्यू दिया है। तो ये टी का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करते हो तो इस एक्सप्रेशन को आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, जेड प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6z+2-8। तो ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। सो जेड स्क्वायर प्लस 2z+2 का स्क्वायर 4, 6z+12-8। तो अब देखो ये सिर्फ जेड स्क्वायर है, यहाँ पे और भी कोई नहीं है जेड स्क्वायर, तो ये आपका सिंगल हो गया। अब उसके बाद आपका यहाँ पे देखो जेड यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी जेड है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उसको हम लोग ऐड या माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो हम क्या करेंगे, 2 2 4 + 6, और ये जेड को मैंने बाहर लिखा सिंप्लीफाई समझने के लिए। अब लास्ट में वेरिएबल्स नंबर्स देखो, 4 4 + 12 कितना होता है, 16 - 8 ये कितना होगा आपका, 8 हो जाएगा। सो जेड स्क्वायर प्लस 4 + 6 10z+8, और ये आपका एफ ऑफ टी आ गया। एक बार चेक करो आप, यही आंसर है। यस सर तो स्टेप समझे आप कैसे सॉल्व करना है इस न्यूमेरिकल को? यस सर नमन आपको। यस तो इसमें ना ये चीज का हमेशा ध्यान देना कि ये जो एफ ऑफ टी पूछा जा रहा है या एफ ऑफ फाइव पूछा गया है या कुछ भी दिया है वो आपको समझना है, या आगे के क्वेश्चन नंबर 2 में आपको समझेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो डाउट्स क्लियर हो गए, क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़े हम लोग। यस सर देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग ने यहाँ पे ए बी सी डी सॉल्व किया था। अब हम लोग है ना आज है ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ई का। कॉन्सेप्ट सेम है, जस्ट दिखने में थोड़ा सा अलग है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि दो फंक्शन दिए गए हैं। पहला जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स है, ये आपका एक्सप्रेशन नंबर 1 है। अभी देखो फंक्शन को जरूरी नहीं है कि ये एफ से ही दिखाया जाए, इसको हम लोग फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ और भी सिंबल्स होते हैं ना उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको फंक्शन समझने का सिंपल तरीका है, कोई भी सिंबल होगा उसके ब्रैकेट के अंदर है ना एक्स होगा,
जैसा ये दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये जो है आपका अनदर फंक्शन दिया गया आपको, तो ये दो फंक्शन आपके पास दिए गए हैं। अब आपको प्रूव क्या करना है, देखो कि फाई ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स, अब यहाँ पे देखो फाई है, यहाँ पे भी फाई है, इसको फाई बोलते हैं हम लोग, पी एच आई, ओके। तो अब यहाँ पे देखो कि फाई के साथ में जो पाई बाय टू प्लस एक्स है, तो इसका मतलब क्या निकलेगा मुझे, कि हमें ये एक्सप्रेशन पता करने के लिए कि फाई पाई बाय टू प्लस एक्स, सो हम लोग पुट करेंगे क्या, x इज इक्वल टू पाई बाय टू प्लस एक्स इन इक्वेशन नंबर टू, जैसा हम लोग ने अभी तक करते आए हैं, करेक्ट? यस। तो जब आप इसको पुट करते हो यहाँ पे, तो ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है आपका इस तरह, पाई बाय टू प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स। अब इसके बाद सोचना है कि इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिक यूज होता है, यानी कि 5 बाय 2 मतलब कितना हो गया आपका, 90 हो गया। तो आपने पढ़ा था कि कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, या चलो ये फॉर्मूला भी भूल जाओ आप, ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने देखो ये पढ़ा था n इंटू पाई बाय टू प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ पे देखो पहला आपका फॉर्मूला क्या था, कि ये जो n है वो इवन है या ऑड है, ये आपने देखा था। अगर आपका इवन होता है तो क्या होता है, तो रेशो वही रहता है। रुको मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, हम लोग देख भी लेते हैं। इसमें फॉर्मूलाज हमेशा आप लोग याद मतलब अपने पास रखो, हाँ कभी भी रिफर करने को इजी होगा। देखो जब आपका 135 यानी कि ऑड नंबर होता है, तो रेशियोस चेंज होते हैं, 135। तो यहाँ पे देखो क्या है, 1 × π/2 है ना, तो ये आपका ऑड नंबर है, तो ऑड में आपका रेशियोस क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो कॉस चेंज हो जाएगा किसमें, साइन, और ये जो एंगल है वो एज इट इज आता है आपका, समझ रहे ना नमन और श्रेया आपको, हेलो, यस सर, स्टेप समझ रहा है ना आपको, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ सर, ओके ठीक है। तो देखो कॉस आपका साइन में आ गया, अब ये मुझे बताओ कि ये जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड, करेक्ट, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो अभी यहाँ पे रेशियो, करेक्ट, यहाँ पे कॉस को हम लोग कंसीडर करेंगे, न कि साइन को कंसीडर करते हम लोग, ये हमेशा याद रखना होता है। तो यहाँ पे कॉस निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इस वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, और इसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते फर्दर सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आपका क्लोज हो गया, इसको हम लोग नाम दे देंगे थर्ड नंबर। अब हम लोग किसका निकालेंगे वैल्यू, माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को, टू फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो कि एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, और मुझे क्या चाहिए, सिर्फ माइनस पुट करना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस वन से, तो मेरा ये माइनस एफ ऑफ एक्स और ये माइनस साइन एक्स आ गया। तो मैं कह सकता हूँ एक्सप्रेशन नंबर 3 और एक्सप्रेशन नंबर 4 से कि ये मेरा प्रूव हो जाता है। है ना,
श्रेया समझा आपको स्टेप? यस सर समझा। तो जस्ट इसमें फंक्शंस में हमेशा याद रखना कि आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, पहला स्टेप। दूसरा है कि यहाँ पे जो क्या दिया है उसको आप लेके आते जाओ और आपको प्रूव करना है, जो वो आपको आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, हाँ देखो यहाँ पे ना फंक्शंस के अंदर फंक्शन दिया गया है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्ट कैसा है। देखो एक फंक्शन है f, दूसरा फंक्शन है आपका फाई। f ऑफ x का वैल्यू दिया गया है और फाई x का भी वैल्यू दिया गया है, तो मतलब आपको यहाँ पे पूरा का पूरा फंक्शन ही उठा के डालना पड़ेगा इसमें। और यहाँ पे जो RHS है इसके पे कुछ कर नहीं सकते हो, तो हम लोग LHS से प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टू फाइंड एफ ऑफ फाई एक्स, तो हम लोग को पुट क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि एक्स इज इक्वल टू फाई एक्स इन इक्वेशन नंबर वन या एक्सप्रेशन नंबर वन। ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर वन है, तो अब देखो यहाँ पे कि जब मैं पुट करता हूं तो यानी कि f ऑफ फाई x इज इक्वल टू log e। अब x की जगह पे मुझे ये डालना पड़ेगा ना, बराबर। तो x की जगह पे मेरा क्या आ जाएगा, फाई x आएगा। ये चीज आप ध्यान रखना, फाई x, और फाई x का वैल्यू है आपका एक्स एन, यानी कि log बेस e एक्स एन। तो यहाँ पे देखो लॉग ऑफ पावर का फॉर्मूला यूज होगा, तो n जो है वो कहाँ आ जाएगा आपका, प्रीफिक्स में। तो अब यहाँ पे देखो ये जो टर्म है आपका वो किसका वैल्यू है, है ना, और ये आपका क्या आ गया, आ गया ना आपका, yes। तो ये बहुत इजी सम था। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा दिखने में डिफिकल्ट होता है, बट अगर आप स्टेप्स आपको याद है कि कैसे सॉल्व करना है ये स्टेप, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इवन कभी कोई डिफिकल्ट सम भी पूछा गया तो भी आप इसको इस तरह भी सॉल्व करोगे तो एटलीस्ट स्टेप्स का आपको कुछ तो मार्क्स मिलेगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन तो है नहीं, अभी एग्जाम आपका थियोरी है, तो ये आपको बेनिफिट होगा यहाँ पे। एक थोड़ा सा लेंदी सम हम लोग देखते हैं, इवन ये वाला सम भी देखोगे ना आप इसी तरह ही है। जो एन है ना, एन आप खुद से ट्राई करोगे और फिर हम लोग देखें यहाँ पे। आप लोग खुद से ट्राई करो ना, मेरे को बताओ कि इसका वैल्यू कितना आता है एफ ऑफ जी टू का। तो हमारा ये एक्सरसाइज आज फिनिश होगा। मिला आंसर, सॉल्व कर रहे हो आप, कुछ डिफिकल्टी?
चलो ठीक है, यहाँ पे आ जाओ अभी सब। ये देखो मैंने सॉल्व किया, यहाँ पे log g 2 आया। अभी g x का वैल्यू दिया है, g 2 का वैल्यू नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 2, तो हम लोग को क्या मिलेगा, g 2 इज़ इक्वल टू 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब होता है आपका 8। तो g 2 का आपका वैल्यू मिल गया आपको log 8। अब log 8 है यानी f ऑफ g कॉमा 2, ठीक है, यानी कि मेरा LHS जो है वो मुझे मिल गया है। RHS में मुझे क्या चाहिए, 3 × f(2) चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो कि क्या रिलेशन हो सकता है, मुझे 3 चाहिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे f(2) है और यहाँ पे log 8 है, तो 2 का जो क्यूब होता है वो होता है 8। तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे कि log 2 का क्यूब, और ये लॉगरिथम ऑफ पावर फॉर्मूला से ये 3 जो है वो प्रीफिक्स में आ जाएगा और आपको मिलेगा log 2। अब यहाँ पे देखो कि log x है, तो इस सेम वे मुझे भी यहाँ पे मैं पुट करूंगा क्या, x इज इक्वल टू 2, तो ये मेरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा f(2) में log 2, log 2 यहाँ पे भी log 2 है, इसका मतलब क्या आ गया, 3 × f(2). ऐसे क्वेश्चन में ना आपको सबसे पहले क्या क्या आइडेंटिफाई करना है ना, वो चीजें मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि एक जो 3 log है यहाँ पे, 3 फंक्शन है यहाँ पे, पहला जो है g(2) है, दूसरा है f(2) है, और तीसरा जो है ये पूरा का पूरा टर्म है कि f(g)(2). मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इस बड़े वाले के ऊपर गया था, बट आपको डायरेक्ट बड़े पे ना जा करके एक सिंपल सिंपल ये जो स्टेप्स है, पहला ये आपका स्टेप सॉल्व करना है, दूसरा सॉल्व करना है, फिर आप ये करोगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अल्टीमेट है कि आपका प्रूव होना चाहिए RHS। क्लियर ये स्टेप्स आपको? अब यस सर। नमन, नमन नहीं है क्या? नमन ठीक है, नमन का टेक्निकल इश्यूज है। तो अभी मुझे बताओ कि हम लोग ये बाकी के जो बीच के न्यूमेरिकल्स है, ये आप खुद से ट्राई करोगे? क्योंकि देखो यहाँ पे GHIJKLM ये सब है ना सिमिलर टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, तो आप खुद से ट्राई करो, अगर इनकेस कुछ डाउट होता है तो हम लोग क्लास में इसको सॉल्व करते हैं। तब तक हम, मैं यहाँ पे टाइप ऑफ फंक्शंस ले लूँ क्लास में अभी, क्या कहते हो? सर एक्सरसाइज का वो 13th वाला वो आप एक्सप्लेन कीजिए ना एक बार। थर्टीन मतलब कौन सा? इलस्ट्रेटिव एग्जांपल वाला। ओके, एग्जांपल्स की बात कर रहे हो। ओके ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कि पहले क्वेश्चन समझते हैं हम लोग कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि इफ f(t) इज इक्वल टू 50 sin 100 πt प्लस 0.4, प्रूव दैट f(1/50) प्लस t इज इक्वल टू f(t)। तो ये जो प्रूव करना है ना, इसमें दो एक्स फंक्शन दिया गया है, पहला जो है ये फंक्शन है पूरा आपका, दूसरा है आपका f(t) है, लेकिन f(t) का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया गया है यहाँ पे, जिसको आप कुछ नहीं कर सकते हो, करेक्ट? तो आपको यहाँ पे इसको पुट करना है,
एक्स की जगह पे कि एक्स इज इक्वल टू 1/50 प्लस टी. जैसे ही आप यहाँ पे पुट करते हो तो आपका एक्सप्रेशन देखो एफ ऑफ 1/50 प्लस टी आ गया इज इक्वल टू 50 साइन 100 पाई. अब देखो यहाँ पे पाई तो एज इट इज होगा और टी की जगह पे आपका क्या बनेगा एक्सप्रेशन, ये पूरा का पूरा आ जाएगा ना. एक मिनट. यस सॉरी, ये x नहीं होगा, ये t होगा. बेसिकली t इज इक्वल टू 1/50 प्लस t. तो ये आपका यहाँ पे आ गया 1/50 प्लस t आ गया बड़ा ब्रैकेट प्लस 0.4 आ गया. तो अब देखो मैं सॉल्व करता हूँ. पहले तो इसमें ब्रैकेट को मैं क्या करूँगा, पहले पूरा ओपन कर दूंगा. तो मेरा 50 साइन आ गया. अब ये देखो यहाँ पे दो ब्रैकेट्स है ना, जब ओपन करता हूं मैं तो ये 100 पाई अपॉन 50 आया प्लस 100 पाई टी आ जाएगा. करेक्ट. अब ये देखो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट है, तो ये मेरा 0.4 जो है वो इसी ब्रैकेट के अंदर आएगा. मतलब ये आपका एक छोटा ब्रैकेट और ये आपका पूरा बड़ा ब्रैकेट. 50 52 100 ये आपको मिल गया. तो अब देखो यहाँ पे कि 50 साइन 2 पाई प्लस 100 पाई टी प्लस 0.4 आता है. अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो इसमें ना आपका कॉन्सेप्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री का कि ये आपका एक एंगल होगा. जैसे हम लोग देखते थे ना कि साइन एन इंटू पाई बाय टू प्लस माइनस थीटा, तो ये जो है यहाँ पे ये आपका इतना बड़ा नंबर है क्योंकि इसके साथ में कोई भी एंगल कोई भी पाई एसोसिएटेड नहीं है ना. पाई, एक मिनट, पाई भी है बट इन दोनों को आपको कि यहाँ पे देखो कैसे किया गया है. जब आपने 2 पाई लाया और 100 पाई टी इंटू 0.4 तो इसमें थीटा पाई बाय टी प्लस 0.4 कंसिडर किया है. यानी कि आपका ये स्टेप वापस मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि 50 साइन 2 पाई प्लस 100 पाई टी प्लस 0.4, मतलब ये जो पूरा एंगल है आपका इसको पूरा का पूरा उसने थीटा कंसिडर किया है क्योंकि यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में फिट करने के लिए. एक्चुअल में ये होना भी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो पाई है वो ऑलरेडी है लॉजिकली अगर देखा जाए तो, बट स्टिल यहाँ पे इस तरह इसको सॉल्व किया गया है. तो इसको जब यहाँ पे कंसिडर किया है तो ये देखो 2 पाई प्लस थीटा है. अब ये 2 पाई मतलब क्या हो गया आपका, अगर इसको 2 पाई को मैं एन इंटू पाई बाय 2 फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूं, इस फॉर्म में ना. हाँ तो अब ये देखो ये लिखने का रीजन क्यों है, क्योंकि ये मेरा इवन है या ऑड है वो चेक करने के लिए. तो ये मेरा क्या नंबर है, इवन नंबर है. इवन नंबर में रेशियोस चेंज होते हैं क्या, नहीं होते हैं. तो ये मेरा रेशियोस साइन ही रहेगा और ये जो है कट हो जाएगा और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 100 पाई टी प्लस 0.4 और ये पूरा मेरा एक्सप्रेशन आता है एफ ऑफ टी. अब इसमें और एक प्रॉब्लम क्या है, देखो आपने इवन करके रेशियोस तो चेंज कर दिया बट ये कौन से एंगल में है किसको पता है, राइट ना. हाँ क्योंकि यहाँ पे देखो अगर 2 पाई प्लस थीटा लेते हो तो 2 पाई यानी कि आपका किधर होता है,
यहां से यहां तक 1 पाई और यहां से यहां तक 2 पाई, बट ये जो थीटा है ये आपका स्पेसिफाई नहीं है ना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, पर इसमें एज्यूम कर रहे हैं कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। और ये बहुत ही प्रीवियस क्वेश्चन है कि 2009 में पूछा गया था। बट कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए थोड़ा एजम्पशंस आपको लेना पड़ता है, तो अगर आप इसको एजम्पशंस में ही आप कंसिडर करोगे कि इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट हेंस इट इज ए पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आपका एफ ऑफ टी आता है, ऐसा है। तो इस क्वेश्चन में दो एजम्पशंस लिया है, पहला कि इसको जो पूरा का पूरा टर्म है उसको आपने थीटा कंसिडर किया, जो कि गलत है एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ पे पाई है, पाई अगर नहीं रहता तो आप इसको एंगल कंसिडर कर सकते थे, बट यहाँ पे पाई है। और कोई न्यूमेरिकल्स में डाउट्स? नो सर। तो आप इसको करोगे खुद से सब एग्जांपल्स, ये एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को? यस सर। श्रेया नमन? यस सर। ओके, तो मैं एक ब्रीफ दे दूं कि आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शंस का, फिर उसको हम लोग मतलब नेक्स्ट क्लास हम लोग कल क्लास रखते हैं अगेन, और उसमें मैं एग्जांपल्स को सॉल्व करूंगा फिर, ठीक है? तो मैं स्टार्ट बता देता हूँ आपको, जस्ट समझना है कि क्या होता है। देखो तो बाकी ये पूरा नाम से ही मालूम पड़ रहा है, इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। देखो अलजेब्रिक फंक्शंस, पहला जो टाइप है अलजेब्रिक फंक्शंस है, मतलब नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है आपका? प्लस माइनस, डिवीजन, अंडर रूट, एक्स, ऐसे करके नंबर रहेंगे आपके एक्सप्रेशंस, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये काइंड ऑफ जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो जब आपका सिर्फ ये नंबर्स आते हैं, प्लेन प्लेन नंबर्स हैं, इसमें कुछ बाकी की चीजें नहीं है, तो उसको हम लोग अलजेब्रिक फंक्शंस कहते हैं। जस्ट समझना है आपको, इसका कुछ पूछा नहीं जाएगा कि कौन सा फंक्शन है करके। नेक्स्ट आता है आपका लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक में सिंपल है, लॉग आएगा। अब जब लॉग आता है तो कभी कभी उसमें एक ई भी आता है, यानी कि एक्सपोनेंशियल। तो जब एक्सपोनेंशियल आएगा, सिर्फ एक्सपोनेंशियल, तो आप उसको एक्सपोनेंशियल कहोगे। जब ये दोनों आएंगे तो आप लॉग को ही कंसिडर करते हैं, एक्सपोनेंशियल को उस टाइम पे इग्नोर करते हैं हम लोग। जब सिर्फ ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स, इस तरह के एक्सप्रेशन रहते हैं तो उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। इसमें ना कॉम्बिनेशंस होते हैं, कॉम्बिनेशंस मतलब कौन कौन से कॉम्बिनेशंस की अलजेब्रिक नहीं होता है इसमें, मतलब अलजेब्रा के जो है ना वो छोड़ करके, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है, इनवर्स है, या फिर कॉम्बिनेशंस। जैसे कि यहाँ पे देखो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कह सकते हो। और जब ये दोनों आएंगे तो आपका ट्रांसेंडेंटल में आ गया ना। नेक्स्ट आता है कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शन है मतलब कि फंक्शंस के अंदर फंक्शन, जो हम लोग ने अभी पढ़ रहे थे ना यहाँ पे कि एफ ऑफ फाई टू, तो ये जो है फंक्शंस के अंदर जब फंक्शन आता है तो उसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। कि मतलब वाई वाई जो है वो एक्स का फंक्शन होगा, और जो एक्स है वो आपका यू के साथ फंक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पे कि एफ जो है वो फाई के साथ में है और फाई जो है वो टू के साथ में है। इसमें याद रखने वाला इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ आपको कि ये चार चार नहीं सिर्फ तीन एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, सॉरी चार, एक
और ये चार, तीन। ये आपको एक्सरसाइज को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में यूजफुल होगा। तो ये जस्ट आप थोड़ा सा रेडी रहना कल के लिए, जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि इसको याद कैसे करना है, वो भी मैं बता दूंगा कल के दिन। फिर नेक्स्ट आता है इनवर्स का। इनवर्स आपको पता ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग ने देखा था, बट ट्रिग्नोमेट्री वाला यहाँ पे इनवर्स नहीं है। यहाँ पे जैसे कि कंपोजिट में होता है ना, एफ जो है वो जी के साथ में रहेगा और जी जो है वो टू के साथ में रहेगा। तो इसका मतलब कि अगर एफ जी के साथ में है और जी एफ के साथ में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों इनवर्स हो गए, एफ ऑफ जी जी ऑफ एफ। ये थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? यस ठीक है, आगे के भी है पर उसको हम लोग कल वापिस करते हैं रिवीजन के साथ में। फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, और ये आई थिंक ये लास्ट एक्सरसाइज है ना इस चैप्टर का। हाँ ठीक है, तो अभी आप लोग को दो होमवर्क दिया है मैंने। क्या क्या दिया है?